हाँ जी। तो सम नंबर 91 देखो, सुनो अपन ये वाला सर्कल दे रखा है। जो सर्कल है ना, ये सर्कल के अपने नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है, मीन नंबर सिस्टम का असेंडिंग ऑर्डर है। तो इन विचों दसना कि केड़ी ऑप्शन सही आंसर है। सो पहला गल करते हैं कि नंबर सिस्टम सब तो पहला अपना आता है नैचुरल नंबर। ठीक है, नैचुरल नंबर। तो नैचुरल नंबर में अपना काउंटेबल नंबर भी कह सकते हैं नंबर। ठीक, फिर उस तो बाद वारी आती है होल नंबर की। होल नंबर तो पहले अपना गल कर दी नैचुरल नंबर बारे। नैचुरल नंबर वो होंगे जो 1 तो स्टार्ट, 1 2 3 अप टू डैश। तो होल नंबर कहते हैं जिहड़े 0 तो स्टार्ट हो, 0 1 2 3 अप टू डैश। ठीक है, सो उस तो बाद फिर होल नंबर तो बाद वारी आती है इंटीजर की। ठीक है, इंटीजर। इंटीजर में क्या होता, वो नंबर जिसमें नैगेटिव नंबर भी आ जाए सारे, 0 भी आ जाए तो पॉजिटिव नंबर भी आ जाए सारे। ठीक है, सारे आए। तो इंटीजर तो बाद वारी आती है रैशनल नंबर की। ठीक है, सो देखो रैशनल नंबर कहते हैं वो नंबर जिन्होंने पी बाय क्यू की फॉर्म लिख सकी, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, पी क्यू का कॉमन डिवाइजर 1 हो। ठीक है, सो वो अपने रैशनल नंबर। तो ये एक इरैशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, इरैशनल नंबर अपने ऑप्शन है नहीं, बट फिर भी गल करते हैं इरैशनल नंबर कहे होंगे जिड़े कि नॉन टर्मीनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होन। ठीक है, वह कहते इरैशनल नंबर होंगे। एक अपना हमारा जेकर अंडर रूट के कोई प्राइम नंबर आ जाए, पी इज प्राइम नंबर, अंडर रूट के कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वह भी क्या इरैशनल नंबर बन जाता है। मीन रूट 2 है, 2 प्राइम नंबर है बट रूट के आ गया, सो की बन गया इरैशनल नंबर। ठीक है, सो इस तो बाद वारी आती है रीयल नंबर की। रीयल नंबर क्या होता जिहड़ा कि रैशनल इरैशनल दोनों तो मिलकर बनता है, वह कहता है रीयल नंबर। सो हम एक पैटर्न बन गया नंबर सिस्टम का। सो हम ये पैटर्न आप नंबर सिस्टम का असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, सो पैटर्न तो एक गल होर सीखने मिलती कि हरेक नैचुरल नंबर होल नंबर होंगे, तो होल नंबर की इंटीजर होंगे। मीन ये किसी भी नंबर तो आप अगे जा सकते हैं, मीन नैचुरल नंबर होल नंबर होंगे, नैचुरल इंटीजर भी होंगे, नैचुरल रैशनल भी होंगे, तो नैचुरल रियल भी होंगे। बट किसी भी नंबर तो रिवर्स नहीं आ सकते, रिवर्स नहीं आ सकते। मतलब होल नंबर इंटीजर होगा बट होल की है नैचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब देखो होल नंबर इज नैचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स। सो देखो आप गल की कि किसी भी नंबर तो आप अगे जा सकते हैं बट रिवर्स नहीं आ सकते। सो होल नंबर की है नैचुरल नंबर पूछा है, मीन तो उन्हें रिवर्स आने की गल की है वापस। सो वापस अपन नहीं, रिवर्स अपन नहीं आ सकते, फिर की हो गया फॉल्स। ठीक है, बट जो अपना क्वेश्चन है वो उन्हें अपन यदा सही पैटर्न पूछा कि सो पैटर्न कि ऑप्शन फॉलो हो रहा है। देखो पहला अपन मिल रहा नैचुरल नंबर, सो थर्ड ऑप्शन है नैचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर रैशनल, मैं चार ही नंबर दिए तो चार नंबर अपन मिल रहे हैं तीजी ऑप्शन। सो ये कि आंसर है। हाँ जी, सम नंबर 92 तो 93। सो देखो सो दोनों सम करने वास्ते अपन एक बड़ा टेबल जो गिवन है इनू सॉल्व करना पैना। सो टेबल में अपन की एक पांच नेम दे रखे है, तो उन्होंने पांच नेम के नाल की सैंडविच तो जूस की बोतल, उन्होंने दोवों की नंबर दे रखे किनिया किन्ने सैंडविच है तो किनिया की है जूस की बोतल है। सो फस्ट क्वेश्चन की अपन देखो जेकर आप सारे दोस्तों में सैंडविच बराबर वंड दिए, ठीक है सारे में, तो हरेक दोस्त को किन्ने सैंडविच मिलने। सो देखो हम सो एक क्वेश्चन करने वास्ते आप करेंगे 92 कि टोटल सैंडविच नूं आपां डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फ्रेंड। ओके, नंबर ऑफ फ्रेंड के नाल। सो इस तरह डिवाइड करके अपन हरेक दोस्त नूं किन्ने सैंडविच मिलने वो आपां फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो देखो टोटल सैंडविच किन्ने हैं 10 13 18 7 25, सो टोटल ने 25। तो नंबर ऑफ फ्रेंड किन्ने 5, सो 25/5। सो 25/5 आपां नूं मिल रहा है ऑप्शन नंबर फस्ट। सो फस्ट ऑप्शन आंसर। ओके,
सेकंड पार्ट देखो ये कि ये अपनी की नंबर ऑफ जूस बॉटल ये बड़े सना ने वो तो जूस की बोतल लिया जो सना परसना वाला ये वो कोल सब तो वह जूस की बोतल है 9। ठीक है सो जो जूस की बोतल बराबर वंडिया जा जिमें सैंडविच बराबर वंडिया उमें जूस की बोतल जूस भी बराबर वंडिए तो सना अपने जूस नो कि जूस घट मिलेगा। देखो जेकर आप जूस की बोतल आप भी बोतल है हरेकू बराबर बनती है जिम्मे सैंडविच वंडिया है तो दसना कि सना कोल की पहला नो कि हिस्सा घटूगा। ठीक है सो फिर ये आप किमें करना देखो फॉर्म नंबर 93 है कि सना कोल कि 9 है ये 9 के आप माइनस कर देंगे टोटल बोतल कि 10, 13, 19, 28 बटा 5 की है 28 बटा 5 अपना की है कि हरेक बोतल की आप दोस्तों बराबर हिस्से वंटता। ठीक है आ वाला फिर 9 के माइनस करता क्यों किया क्योंकि दसना आप कि सना दे कोल कितना हिस्सा घट गया। ठीक है तो देखो 9 माइनस 28/5 सॉल्व करेंगे 45 - 28/5 सो आंसर 17/5 सो 17/5 अपन मिल रहा ऑप्शन नंबर डी च सो ये अपना की आंसर। हाँ जी सम नंबर 94 देखो ये वाला कि श्री त्यागी एक योग सिखाने वाले अध्यापक हैं वो अपने 600 विद्यार्थियों इस तरीके बिठाना चाहते हैं कि लाइनों की गिनती की है लाइनों की गिनती तो कॉलम कि बराबर होना। ठीक है मीन लाइनों की गिनती मीन जेकर इस तरह चार लाइन बन रही हैं इस तरह चार तो कॉलम भी चार ही बननी चाहिए जिन्ने रो उन्नी कॉलम हो। ठीक है जिन् रो है उन्नी कॉलम हो। ठीक है जो चार कॉलम है वाले तो चार की है रो बन। ओके सो टोटल विद्यार्थी 600 है सो उन्होंने इस तरीके बिठाने चाहते हैं कि गिनती कॉलम की बराबर होवे लाइनों की गिनती तो कॉलम की गिनती बराबर होवे तो दसना इस तरतीब नाल किन्ने विद्यार्थी बाहर रह जाएंगे सो इट मीन अपना 600 विद्यार्थियों नंबर ऑफ रो तो नंबर ऑफ कॉलम नाल इस तरह अरेजमेंट करना है कि दोनों की गिनती के बराबर होए रो की तो कॉलम की सो दसना किन्ने विद्यार्थी बाहर रह जाएंगे सो इट मीन आप चीज़ फाइंड करनी है 600 कि नंबर माइनस करिए नंबर माइनस करिए कि अपन की है यदा स्केयर रूट मिल जाए 600 का। ठीक है सो जो क्वेश्चन है क्लास एट्थ है स्केयर एंड स्केयर रूट विचो। ठीक है सो देखो किमें फाइंड करना कि 600 कि नंबर माइनस करिए कि अपन उस नंबर का अंडर रूट मिल जाए। ठीक है उस नंबर का सो माइनस क्यों किया क्योंकि सवाल क्वेश्चन में यह गल हुई है कि किन्ने विद्यार्थी बाहर रहेंगे सो बाहर रहेंगे मतलब ये कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है सो देखो 600 का आप स्केयर रूट फाइंड करा बाय डिवीजन मैथड सो डिवीजन मैथड किमें थी कि आप नंबर के पेयर बनाने स्टार्ट कर दी पिछों। ठीक है रिवर्स तो ये पेयर बन गए ये सिंगल है इन सिंगल रखा आप सो कि नंबर का मल्टीप्लाई करिए सॉरी कि नंबर डिवाइड करिए उस जे नंबर डिवाइड करिए उस नंबर मल्टीप्लाई करिए। ठीक है या 6 मिल जाए या 6 तो छोटा तो 2 ही है ना ये 4 होगा 200। ठीक है सो फिर जो आप स्केयर रूट फाइंड कर देने फिर आप हमेशा इतने नंबर का पेयर नीचे उतार लेने जिमें 2 0 से 2 0 पेयर से ना फिर दोनों 0 आप नीचे उतार लिया सो 200 डिवाइड करना है किमें इस कोशेंट का डबल कर लो 4 हम 4 के ना कि नंबर की इतनी मल्टीप्लाई करिए सेम उ नंबर इतने मल्टीप्लाई चला देना है। ठीक है जहाँ 2 है जे इतने 2 है तो इतने भी 2 हो जे इतने 3 है तो इतने भी 3 हो इस तरह के नंबर की अरेजमेंट करनी है कि अपना जो आंसर 200 आ जाए या 200 तो घट आ जाए सो वो 4 होगा कि 44 × 4 कि 176 जो 45 होंगे ना फिर 225 बन जूगा बट अपना 200 मिल जाए जब तो घट हो तो ये 4 लगेगा इतने 4 176 सो 24 हो गया सो 24 नंबर की बाहर रह जाएंगे। ठीक है 600 के 24 माइनस करा तो अपना आंसर क्या होगा 576
सो 24 बच्चे की रो अकॉर्डिंग अरेंज होंगे, तो 24 बच्चे की कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है, 24 बच्चे रो च बैठेंगे तो 24 बच्चे की कॉलम के बैठेंगे पूरी पूरी गिनती, जो बाकी बच्चे बाकी 24 बच्चे है ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। हाँ जेकर वो अपन क्वेश्चन क्वेश्चन यह कहता कि किन्ने बच्चे होर ऐड करिए, फिर अपन 200 घट नंबर सोचे, फिर 200 तो ज़्यादा सोचना, 200 तो वड्डा नंबर कहड़ा होगा, जिम्मे तो 600 सी, इतों तक तो अपना सम बिल्कुल सेम सी, ठीक है। फोर तक हम फोर के ना आप फाइव यूज करा, 2 to 5 इतने 5 आएगा, इतने 2 to 5 आएगा, क्योंकि आप होर नंबर ऐड करना है ये, तो फिर आप वड्डा नंबर सोचा, ठीक है। जो माइनस करना सी तो ये छोटा नंबर सोचा, जे ऐड करना सी तो ये वड्डा सोचा। हम 225 के 200 माइनस किया कि 25, ठीक है। सो मैं 600 जो 25 आप होर ऐड करा तो 625 बन जाऊ, तो 625 की है अपना स्केयर रूट, 625 एक ऐसा जो नंबर है जो स्केयर रूट मिलता कि 25, ओके। सो जेकर आपको कहना ऐड करो, फिर आप ए वाला स्टैप फॉलो कर दे, जी आपको कहना माइनस करो, फिर ए वाला स्टैप फॉलो कर दे। सो फिर ये की है माइनस की गल की है, सो ऑप्शन की है बी अपना की आंसर आ जाओ। हाँ जी, सम नंबर 95 देखोगे कि रेसिप्रोक्रोफ विच नंबर इज 0, कि दसना आप कि इन्हों विचों कौन से नंबर का रेसिप्रोकल 0 होगा, ठीक है। हाँ जी, सो दसना कि आप इस क्वेश्चन का कि नंबर का रेसिप्रोकल की 0 होगा। सो 0 किसी भी नंबर का, 0 का कोई नंबर की रेसिप्रोकल होता ही नहीं, 0 का कोई भी नंबर रेसिप्रोकल नहीं होता। सो यह आंसर होगा बी ऑप्शन, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कि मैं देखो जेकर आप किसी भी नंबर के डिनोमीनेटर 0 कर दिए तो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है, ओके। सो जेकर किसी नंबर के नीचे डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए तो वह रेसिप्रोकल 0 ही हो जाएगा, ठीक है। सो केड़ा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल 0 होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो अगे देखो सम नंबर 96, आकाश और उसका मित्र लूडो 2 डाइस में खेलते हैं, ठीक है। सो उन्होंने जितने लिए डाइस उत्ते 8 का कुल योग होना चाहिए कि आकाश की जितनी संभावना हो सकती है। सो देखो आकाश से उसका मित्र की है 2 डाइस में खेलते हैं, जो 2 डाइस में खेलते हैं तो उन्होंने जो सैंपल स्पेस है टोटल ए वाली बनी ना, जो पहली भी डाइस थ्रो की तो 1-1 आएगा, फिर 1 या 2 आएगा, ठीक है, फिर 1-3 कुछ इस तरह आएगा। सो टोटल कितनी बनी, 36 बनी है, ओके। तो हुण वह जित आकाश उदों जितूगा जो वो को नंबर होने जिन्हें ऐड की है, टोटल ऐड 8 बनूगा, टोटल ऐड। सो कि नंबर है जिन्हें सम 8 बनूगा, एक तो आ रहा, एक आ रहा, एक आ रहा, एक आ रहा, तो एक आ रहा, टोटल कितने 5 हो गए, ठीक है। सो 5/36 इसका आंसर आऊगा, ठीक है। सो 5/36 आपको मिल रहा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक। हाँ जी, सम नंबर 97 देखो, द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वल टू सक्सैसिव डिस्काउंट 25%, 20% एंड 10%। सो दसना आप सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना है जोड़ा कि इक्वल दे रखा अपन लगातार ये तीन डिस्काउंट दे। पहला डिस्काउंट कि 25% है, दूजा डिस्काउंट कि 20% है, तो तीजा डिस्काउंट कि अपना 10%, ओके। सो इनू देखो जो आप सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना हो, लगातार 3 डिस्काउंट गिवन हो, जिन्हें मर्जी डिस्काउंट गिवन हो, लगातार गिवन हो, ठीक है। सो उदो आप करा, पहला स्टेप अपना की हुआ उदो आप एम पी लैट करा 100, ठीक है। तो एस पी फाइंड करने का फॉर्मूला की बन जाऊ, 100 × 100 - DI/D, जो 100 है ये एम पी वाला 100, ठीक है। सो इट मीन आप फॉर्मूला लिख सकते हैं एम पी इंटू 100 - DI/100, ठीक। सो ये फॉर्मूला है, डी आई मीन जिन्हें भी अपने को सक्सैसिव डिस्काउंट गिवन हो, ओके। सो देखो एम पी अपना लैट किया 100 मार्केट प्राइस, सो सैलिंग प्राइस अपना की बन जाएगा, देखो 100 × 100 - 25/100 into 100 - 20/100 into 100 minus
टेन बाई हंड्रेड, ठीक। सो देखो सॉल्व कर दें, हंड्रेड इंटू 75 बाई हंड्रेड इंटू 80 बाई हंड्रेड इंटू 90 बाई हंड्रेड। सो ये आवल कैंसल, इन दोनों आदू कैंसल। सो हाँ ये करेंगे अपना इन कैंसल 25 के टेबल, तो ये 3 आ जाऊ, ये 4 आ जाऊ, इधर 2 आ जाऊ। सो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 9 54 अपना की सेलिंग प्राइस है। ओके फाइंड करना है सिंगल डिस्काउंट। सो सेलिंग प्राइस कितना है 54 है, तो मार्केट प्राइस कितना 100। ओके सो डिस्काउंट की करेंगे फाइंड, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो 100 माइनस 54 इज इक्वल टू 46, तो ये 46 अपना की डिस्काउंट है। सो ये 46 अपना की परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज फाइंड करना फॉर्मूला कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। सो 46 बाय 100 इंटू 100 कट ऑफ 46। सो 46 आपको मिल रहा है जी ऑप्शन नंबर सी विच, ये अपना की आंसर। हाँ जी सम नंबर 98 देखो कि एक 5cc का क्यूब है, 5cc क्यूब है, इज पेंटेड ऑन ऑल इट इज साइड, कि कोई क्यूब है उन्होंने हरेक साइड तो पेंट किया जा रहा है ये बोला। इफ इट इज स्लाइड इंटू 1cc क्यूब, हाउ मैनी 1cc क्यूब विल हैव एग्जैक्टली 1 द साइड पेंटेड। सो देखो कि इस तरह का एक क्यूब है, तो पहले अपना देखो ये टोटल फेस किन्ने होंगे क्यूब के, छे जो फेस है वाले, एक हो गया, एक आप दो, एक आप तीन, छे चार पाँच, एक पीछे बैक साइड छे, ठीक है। सो फेस है किन्ने, छे। सो देखो हरेक क्यूब नू की अपना 5cc कांदे क्यूब नू की है 1cc दे पार्ट विच की डिवाइड किया गया है। जिम्मे देखो अब फस्ट फेस चक्या पहले कोई फस्ट फेस सिलेक्ट कर लिया बोलो, ठीक है। सो इनू की 1cc दे 5 पार्ट करते, एक दो तीन चार, अब एक आ रहा, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच हो गए, इस तरह एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, इस तरह फस्ट फेस अपना। तो देखो कि 1cc वाले किन्ने क्यूब बन गए, 1cc वाले किन्ने क्यूब बन गए, जेकर जिन्ना सिर्फ एक पासा की पूरा रंगया जाए, देखो जेकर इन्हों का एक पासा वाला इधरों एक पासा इधरों एक पासा तो इधरों एक पासा पूरी तरह पेंट करता, ठीक है। हम पूरी तरह पेंट करने तो पता किन्ने क्यूब बचे हैं जेडे अपन नहीं किए, एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ। सो पहले फेस विचों किन्ने क्यूब बचे है, 9 क्यूब बचे है, ठीक है, 1 साइड पेंट करने तो बाद। तो इस तरह सैकेंड फेस विचों भी किन्ने बचेंगे, फिर 9 क्यूब बचेंगे, थर्ड विचों भी 9 बचेंगे, फोर्थ फेस विचों भी 9, फिफ्थ विचों भी 9, सिक्स विचों भी 9 क्यूब बचेंगे, इस तरह बिल्कुल, ठीक है। क्यों टोटल फेस 6 होंगे क्यूब के, सो इट मीन टोटल क्यूब किन्ने बन गए, टोटल क्यूब इज इक्वल 9 इंटू 6 इज इक्वल 54 क्यूब बन गए। सो 54 मिल रहा अपन ऑप्शन नंबर डी विच। हाँ जी सम नंबर 99 देखो ये बोला कि अपने को वाली पॉलीनोमियल की होना है, ए एक्स पावर 4 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4। सो इस पॉलीनोमियल दो फैक्टर की होना है, एक्स प्लस 2 तो एक्स माइनस 2 ये वाले। सो अपना ए प्लस बी फाइंड करना है ना। सो जो पहला अपने एक्स प्लस 2 गिवन है, सो एक्स प्लस 2 जीरो पुट कर दो, सो एक्स की वैल्यू कितनी माइनस 2 आ गई। सो इट मीन आप पॉलीनोमियल विच की माइनस 2 पुट करेंगे एक बार, फिर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू 2, फिर उस तो बाद इस पॉलीनोमियल विच 2 पुट कर देंगे सारी विच, ठीक। फिर दो इक्वेशन बन जाएंगी, उन्होंने सॉल्व करेंगे। सो देखो पहला आप एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करते हैं ये, सो ए इंटू माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 प्लस बी इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे, इवन 16 ए माइनस 4 माइनस 12 प्लस 2 बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
थ्री माइनस टू भी होगा, सो 16 माइनस टू बी माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो, 16 ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 20, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो उस तो बाद हम इस पॉलीनोमियल विच एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देनी। ठीक है, तो देखो इतने 2 पुट करेंगे अपन, अपना आंसर होगा 16 ए प्लस 4 माइनस 12 प्लस 2 बी माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें कैंसल, सो बचा 16 ए प्लस 2 बी, अब माइनस 12 अपन इधर ले जाने, सो इधर आ गए पॉजिटिव, सो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। हम इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देने पर 16 ए माइनस 2 बी इज इक्वल टू 20, 16 ए प्लस 2 बी इज इक्वल टू 12, सो इन्हें साइन चेंज कर दो, सो साइन चेंज करने की लोड ही नहीं, आ दोनों सेम ही है, साइन ओपोजिट है, सो इन ऐड कर देने, सो कैंसल 32 ए इज इक्वल टू 32, सो ए इज इक्वल टू 1 आया, सो ए की वैल्यू 1 पुट कर दो फर्स्ट विच, पुट इन फर्स्ट, सो 16 माइनस 2 बी इज इक्वल टू 20 माइनस 2 बी, तो इन इधर लाइ, सो इधर आ गए 20 के 16 माइनस हो जूगा इज इक्वल टू 4, सो बी इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, सो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 2 है, सो ए प्लस बी कितना होगा, देखो ए की वैल्यू 1 बी माइनस 2, सो इन दोनों ऐड करेंगे अपना आंसर माइनस 1 आएगा। ठीक है, माइनस 1 आपको मिल रहा ऑप्शन नंबर ए विच। ठीक, हाँ जी, सम नंबर 100 देखो कि ए सॉलिड मैटर सिलेंडर ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट एंड 14 सेंटीमीटर डायमीटर, कोई सिलेंडर है मतलब जी हाइट कितनी 10 सेंटीमीटर से, और डायमीटर कितना 14, सो उन्होंने पिंगला आ गए। ठीक है, सो मतलब उसकी सिलेंडर शेप तो रीकास्ट इनटू टू कोन इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:4 वॉल्यूम, कीप द हाइट 10 सेंटीमीटर, कि मैंने देखो की है कि सिलेंडर नु पिघला के उहदे विचों दो कोन तैयार करते हैं। ठीक, कुछ इस तरह क्या सिलेंडर है इस तरह। ठीक है, सो जिहदी हाइट हैगी अपने कोल 10 सेंटीमीटर, तो इहदा रेडियस किन्ना 7, आर इज इक्वल टू 7। ओके, तो हुण इस नूं कीता रीकास्ट, तो रीकास्ट जदों कीता उहदे तों बन गए दो कोन, पहला कोन आ रहा दूजा कोण आ रहा, दो कोण बन गए। ठीक है, सो जिन्हों की हाइट सेम ही है एच 10 सेंटीमीटर, जिनी यदि हाइट उन्नी यदि हाइट दोवों की। ओके, सो पहले कोण का रेडियस मनो आर 1, दूजे कोण का रेडियस मनो आर 2। ओके, सो आप फाइंड करना वट वुड बी परसेंटेज चेंज इन फ्लैट सर्फिस एरिया बिफोर एंड आफ्टर, सो फ्लैट सर्फिस एरिया आ वाला होंगे जी, ये वाला पोर्शन। ठीक है, कि सिलेंडर के सर्फिस एरिए जो आप कोन के सर्फिस एरिए चेंज करता फ्लैट सर्फिस एरिए। ठीक है, फ्लैट सर्फिस एरिए चेंज करता सिलेंडर के फ्लैट सर्फिस एरिए दसना पहला तो बाद कि चेंज आया। ठीक है, ये वाले फ्लैट एरिए कि चेंज आया। ठीक है, सो देखो हम सिलेंडर तो कोन बने दो। ठीक है, इट मीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन। ठीक है, सो फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की होगा पाई आर स्केयर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर 1 स्केयर इंटू एच, सो दोनों के हाइट की हाइट है वो एच आप क्यों रखी, क्योंकि हाइट सेम है 10 10 10, ता ही टेन एच मान ली है। ओके, प्लस 1/3 पाई आर टू स्केयर इंटू एच, सो पाई ना पाई कैंसल हो जाएगा तो एच ना एच कैंसल हो जाएगा, सो बचेगा 3 इधर इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड, सो ये बनेगा 3 आर स्केयर इज इक्वल टू आर 1 स्केयर प्लस आर टू स्केयर, ये वो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सो सिलेंडर तो रीकॉस्ट हुआ सिलेंडर, तो इन्हों का वॉल्यूम सेम हो गया, सेम इस तरह ही जो सर्फिस फ्लैट सर्फिस एरिया है सिलेंडर का फ्लैट सर्फिस एरिया इन्हों कोन के फ्लैट सर्फिस एरिए सम के इक्वल हो जूगा। ठीक है,
ए वाला फ्लैट सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, ए भी पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हुआ, दोनों ऐड हो गए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये हो जो टू पाई आर स्क्वायर। सो ए वाला फ्लैट सरफेस एरिया कितना होगा, पाई आर वन स्क्वायर, पाई आर वन स्क्वायर, ए वाला प्लस पाई आर टू स्क्वायर, सो पाई ना पाई कैंसिल हो जाएगा। सो टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। ये सेकेंड क्वेश्चन। सो पहला वाला फ्लैट सरफेस एरिया से आ वाला, तो जो सिलेंडर का फ्लैट सरफेस एरिया ये वाला, तो जो इन रीकॉस्ट किया कोण के उदो ए फ्लैट सरफेस एरिया बन गया ए वाला, ठीक है ए वाला। सो दसना इन दोनों किन्ने परसेंटेज चेंज आया, ठीक है पहले आप चेंज फाइंड करेंगे। चेंज फाइंड करने पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन सैकेंड क्वेश्चन। सो दोनों दियाँ राइट हैंड साइड इक्वल है, दैन फिर लैफ्ट हैंड साइड, ठीक है तो फिर चेंज फाइंड करना पड़ेगा, कितना होगा चेंज कि थ्री आर स्केयर माइनस टू आर स्केयर, कितना चेंज है आर स्केयर चेंज आ गया, तो किन्ने परसेंट चेंज आया देखो आर स्केयर डिवाइड बाय टू आर स्केयर मल्टी बाई हंड्रेड, सो आर स्केयर आर स्केयर कैंसल, सो 50% की चेंज आया। सो 50% अपन मेरा ऑप्शन नंबर डी बच्चे। हाँ सम नंबर 101 देखो, द सरकमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील ऑफ कार इज 30 feet लोंग एंड बैक व्हील इज 30 feet लोंग, कि मीन कोई गड्डी का पही है टायर है गड्डी का जिदा पहला टायर है फ्रंट वाला वो सरकमफ्रेंस कि 30 feet है, तो जो पिछला टायर है वह सरकमफ्रेंस कि 36 feet, ठीक कुछ मतलब वह फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील है वह बैक व्हील, ठीक है यदा सरकमफ्रेंस C1 मान लो, यदा सरकमफ्रेंस C2 मान लो। सरकमफ्रेंस की होंगे कि जो वन रिवोल्यूशन है के टायर का एक गेड़ा, ठीक है सरकमफ्रेंस। सो कि C1 30 feet है, C2 कि 36 feet है, ठीक। तो वट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार्ड, दसना गड्डी द्वारा कि डिस्टेंस कवर किया जाता है इफ वैन फ्रंट व्हील हैव डन 5 more रिवोल्यूशन दैन रीयर व्हील, कि मीन देखो जिकर यदा पहला पहिया जिकर यदा पहला गड्डी कि जिकर यदा पहला पहला पहिया पिछले पहिए नालों, पहला पहिया पिछले पहिए नालों 5 गुना ज़्यादा चक्कर लगा, ठीक है 5 चक्कर ज़्यादा लगा है। सो ध्यान फिर जो पहला टायर यदा आपका ये दूजे टायर के नालों ये नालों 5 चक्कर ज़्यादा लगा है, मान लो ये लगा है रिवोल्यूशन करता है, मान लो ये करता है एक्स, फिर ये किन्ने करूगा एक्स प्लस 5 करूगा, ठीक है रिवोल्यूशन ओके। फिर टोटल डिस्टेंस आप किवें फाइंड करांगे, टोटल डिस्टेंस फाइंड करने का की तरीका होंगे कि रिवैल्यूएशन इनटू सरकमफ्रेंस, ठीक है ये तरीका है, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है कि जो टायर के एक बारी घूम रहा है, जो टायर एक बार घूमता कि 30 feet होंगे, तो 5 x + 5 बार घूमेगा तो जो x + 5 भी मल्टीपाई 3 हो जाऊ, ठीक है। तो देखो जो ये फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू रिवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस, हाँ जी। सो हम दोनों जो टायर है दोनों टायर का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है टोटल डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट व्हील इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ऑफ सेकेंड व्हील, ठीक है फॉर्मूला की है रिवोल्यूशन। सो पहले रिवोल्यूशन कितने x + 5 इंटू सरकमफ्रेंस कि 30 इज इक्वल टू सेकेंड का रिवोल्यूशन एक्स है तो सरकमफ्रेंस 36 है। सो इन सॉल्व कर देने देखो 30x + 150 इज इक्वल टू 36x, सो इन्हें इधर लाइ 150 इज इक्वल टू 6x, दैन एक्स इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 6, सो यदा आंसर आजगा कट ऑफ हो गए 25। सो रिवोल्यूशन किन्ने आ रहे हैं एक्स 25 आ रहा है। सो आप फाइंड करना कि टोटल डिस्टेंस किन्ना होगा, सो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना की तरीका होगा देखो टोटल डिस्टेंस, सो दोवें डिस्टेंस सेम ही है आप गल कर चुके हैं भाई, ठीक है। सो जिते एक्स है जिते एक्स उ 25 पुट कर दो, ये पुट कर दें 25 + 5 × 30
सो 30 × 30 किन्ना गया 900। सो 900 अपन मिल रहा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी सम नंबर 102 देखो, इफ द लेटरल फेसेस आर परपेंडिकुलर टू बेस ऑफ द प्रिज्म देन इट इज कॉल्ड डैश प्रिज्म। कि देखो जेकर ए वाला प्रिज्म है कोई भी, ठीक है ये वाला, ओके ए वाला प्रिज्म है, तो ये किसी भी बेस के उपर जेकर जेकर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए इस लेटरल दे, देखो की बन जूगा, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री नूं कहांगे राइट। ओके सो ऑप्शन ए इहदा की है आंसर। नैक्सट देखो 103, के द मेजर ऑफ टू एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 9 o'clock। कि मीन कोई क्लॉक है ये वाला, 12 है 9 3, तो जो क्लॉक के उपर 9 बज जाती है, ये होर हैंड है, ये मिनट हैंड, मिनट ये वाली और हैंड। ओके सो दूसरा इन दोनों के बीच कितना एंगल बनता है, क्या वाला एंटी क्लॉक डायरेक्शन एंगल बनेगा, तो सो क्लीयर है जो आवला एंगल बन रहा है ये तो 90 डिग्री, तो क्लॉक के पूरा कंप्लीट एंगल होंगे 360 का, पूरा कंप्लीट जे 90 है वाला, सो 360 90 माइनस कर दो, सो बाकी बचा एंगल कितना होगा 270, ठीक 270 ए 90। सो ऑप्शन बी यदा की है आंसर आजगा बी, ठीक। दैन स्केयर हैज़ ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर, ये कोई स्केयर है ये वाली, सो यदि आप रोटेशनल सिमेट्री दसनी कितनी होगी, सो स्केयर की रोटेशनल सिमेट्री 4 होंगी है, सी यदा की है आंसर। सो सम नंबर 105 देखो 105, द हाइट ऑफ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम शो डैट, कि कोई हिस्टोग्राम ही वाला ये वाला, ठीक है। सो ये रेक्टेंगल ये वाली एक की शो कर देंगे, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी शो कर दिया है फ्रीक्वेंसी, तो यदा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। सो सम नंबर 106 देखो, तो अपने को गिवन की है, इफ द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 24, ये मॉड है तो मॉड माइनस मीडियन 24 गिवन है, ठीक। तो फाइंड करना मीडियन माइनस मीन, ये फाइंड करना है, सो ये अपन गिवन है, इन मैंने फर्स्ट इक्वेशन, तो एक मीन मीडियन मॉड का रिलेशन है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होंगे। ओके सो जी ये वाला रिलेशन है, इन आप ये वर्गा बनाने पहली इक्वेशन की वर्गा, कि मॉड इज इक्वल टू मीडियन प्लस 2 मीडियन माइनस 2 मीन, लिख सकते अपन आ 3 मीडियन आप ब्रेक करता ये बन जाता, ठीक है। तो मीडियन आप इधर ले मॉड माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। तो देखोगे कि मॉड माइनस मीडियन की वैल्यू कितनी है 24, पहली क्वेश्चन देखो तो 24 है जो 24 इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 कॉमन ले लो ये चो 24 इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 2 ने 24 कैंसल 12, सो इट मीन 2 नहीं है, मीडियन माइनस मीन कितना आ गया 12, सो मीडियन माइनस मीन ही फाइंड करना सी, सो 12 आपां नूं मिल रहा ऑप्शन नंबर ए विच, इहदा की आंसर ए, ठीक। हाँ जी सम नंबर देखो 107, तो देखो की है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इनक्रीज फ्रॉम 7 centimeter टू 14 centimeter विन एयर इज पंप इनटू, कोई अपना सफीर है जो रेडियस की है 7 centimeter तो इनक्रीज होकर 14 centimeter हो जाता है, ठीक है। तो दैन रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल बैलून टू इनफ्लेटेड वन, कि मैं दसना कि सरफेस एरिया जदों 7 centimeter तो लैके 14 centimeter रेडियस इनक्रीज हो जाता है, फिर आप दसना कि जो सफीयर का बै वो है सरफेस एरिया है उन्होंने दोवों कि रेशो का चेंज होता है, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ सफीयर, सो यह की फॉर्मूला होंगे 4 πr²
ये फॉर्मूला है। सो रेशियो फाइंड करनी है, सो मीन जो फर्स्ट टाइम रेडी सैवन सी उदो सरफेस एरिया किन्ना होगा, इनू मनो आर वन, इनू मनो आर टू। सो फस्ट टाइम जो आर वन अपनी सैवन है उदो सरफेस एरिया फोर पाई आर वन स्केयर होगा, फिर जो इनक्रीज होता वो किन्ना होगा फोर पाई आर टू का स्केयर। सो इन दोवों की रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। फोर ना फोर कैंसल, पाई ना पाई कैंसल, बचेगी आर वन द स्केयर बाय आर टू स्केयर। सो आर वन किन्ना सैवन इंटू सैवन, आर टू फोर्टीन इंटू फोर्टीन, सो कट ऑफ वन बाय टू वन बाय टू, सो यदा आंसर होगा वन बाय फोर। सो वन बाय फोर आप लिख सकते हैं वन रेशो फोर। सो वन रेशो फोर आप मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये अपना की आंसर। हाँ जी, सम नंबर 108 देखो, ए बोट हैविंग अ लेंथ 3 मीटर ब्रेथ 2 मीटर, कि कोई बोट की लेंथ कितनी है 3 मीटर है तो ब्रेथ कितनी है 2 मीटर। इज फ्लोटिंग ऑन अ लेक, कि जो किश्ती बोट है वो लेंथ 3 मीटर है ब्रेथ 2 मीटर है, वो क्या है कि किश्ती है पानी में तैर रही है, ठीक है। द बोट सिंक बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गॉट ऑन इट, कि बोट के कोई आदमी बैठ जाता तो 1 सेंटीमीटर की है नीचे डुब जाती है, जो डुब जाती है तो जिनी डुबी होगी वो की हाइट है, फिर हाइट कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप मीटर चेंज कर देने 1/100, सो 0.01 मीटर यदि की हाइट है। सो मास ऑफ मैन फाइंड करना, मास, सो मास फाइंड करना फॉर्मूला की है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक। सो पहले आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम क्यों लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो 3 इनटू 2 इनटू 0.01, सो आंसर 0.06 मीटर क्यूब, ठीक। सो जी आप ऑप्शन दे रखी हैं, ऑप्शन की है के जी विच है, अपना आंसर मीटर विच है। सो मास नू के जी विच कन्वर्ट करने वास्ते वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो 0.06 डेंसिटी अपना होगा 1000। ओके फिर सॉल्व कर देने पा 6/100 इनटू 1000, फिर दो कैंसर, सो 60 के जी अपना की मास है। सो 60 के जी मिल रहा ऑप्शन नंबर बी विच, सो ये अपना की आंसर। हाँ जी, अगर तो क्वेश्चन नंबर 109 देखो कि रूट 10 की वैल्यू की अपन 3.162, तो वैल्यू फाइंड करनी है 1/√10 की। देखो ये चार ऑप्शन है, सो देखो इन्हों पर 1/3.162, ठीक। सो इन पर लिख सकते हैं 1000/3162, ठीक है, कि 1000 को इहदे नाल डिवाइड करना 3162 नाल। सो हुण इह सम अपना ऑप्शन दे विचों जजमेंट ला के होजूगा कि जेकर 1000 नूं आपां 3162 नाल डिवाइड करिए तो अपना आंसर 0. something आऊगा, ठीक है। सो कि ऑप्शन है जिसे जिद अपन की 0. something आंसर मिल रहा है, सो ए ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन वो भी ए, सो यह की आंसर होगा, ठीक। हाँ जी, अगे देखो सम नंबर 110 कि हम आप ए वाले नंबर का स्केयर रूट फाइंड करना है। सो हम ये उपर आप आइडेंटिटी लगाओगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो एक हो जाऊ ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो इन्हों पर लिख सकते 49 माइनस 45 आंसर 4 है। सो 4 का स्केयर रूट होगा 2, सो 2 आपको मिल रहा ऑप्शन नंबर बी विच, सो यह की है आंसर। हाँ जी, सम नंबर देखो 111, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 16,000 एट 20% पर एनुअम फोर 9,000, कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल किन्ना 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो टाइम 9 months है, बट ये कंडीशन की है कंपाउंड क्वार्टरली है, क्वार्टरली मीनस फोर्थ पार्ट, ठीक है, पूरे साल का चौथा हिस्सा। सो देखो सिंपल अपने फॉर्मूला अमाउंट का पी इंटू 1/R/100 की पावर एन, ये फॉर्मूला है। सो जिस आर की अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो एन की टाइम ऑफ ईयर, पी फोर प्रिंसिपल, ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल फॉर्मूला ये होता है। बट हम गल करते हैं ये कंपाउंड क्वार्टर की, कंपाउंड क्वार्टर, जो कंपाउंड क्वार्टरली आ जाइए उदो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट की होंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਐਨ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਅਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਈਅਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਸੁਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ 'ਚ 16,000 ਹੈ। ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ 20% ਹੈ, ਬਟ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 20/4 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5%। ਐਨ ਕਿੰਨਾ 9 ਮੰਥ ਹੈ, ਮੀਨ 9/12 ਈਅਰ, ਬਟ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਐਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9/12 × 4 ਸੋ ਕੱਟ ਆਫ 3। ਸੋ 3 ਈਅਰ ਹੋਊ ਐਨ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ 16,000, ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ 5 ਹੈ, ਐਨ ਕਿੰਨਾ 3 ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਟੂ 1 + r/100³। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 20। ਸੋ 16,000 × 1/20 × 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਓਪਨ ਕਰਦੀ। ਸੋ 0 0 ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 4, ਇਹ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 2 × 21 × 21 × 21 ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈਗੀ 18,522। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ ਇਕੁਅਲ 18,522। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ 16,000। ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ 2522। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2522 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ 2522। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਨੰਬਰ 112 ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਸਮੇਰ ਅਤੇ ਰਾਮੇਲ ਦੋਵੇਂ ਪੈੱਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੁਪਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੈੱਨ ਹੈ। ਠੀਕ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੁਪਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੈੱਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਜੈਸਮੇਰ ਨੇ 5 ਪੈੱਨ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, 5 ਪੈੱਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜਸਮੇਰ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਰਮੇਲ ਨੇ 7 ਪੈੱਨ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਸਮੇਰ ਅਤੇ ਰਾਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁਪਈਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ 1 ਪੈੱਨ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਉਹ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਰੁਪਈਏ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਸਮੇਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਮਨੀ ਟੋਟਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਸਮੇਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਪੈੱਨ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਪੈੱਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਕਸ, ਅਤੇ 5 ਪੈੱਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਜੂ 5x, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਐਕਸ, 5x + 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਬਣ ਗਈ 5x + 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣਾ ਰਮੇਲ ਨੇ 7 ਪੈੱਨ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਸੋ 7 ਪੈੱਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 7x ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰੁਪਈਏ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ 20। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਟੋਟਲ ਮਨੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸੇਮ ਮਨੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 200 ਇਹਦੇ ਕੋਲ 200 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5x ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, 20 ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ। ਸੋ 100 - 20 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7x ਮਾਈਨਸ 5x, 80 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x, ਐਕਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 40। ਸੋ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 40 ਰੁਪੀਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਮ ਨੰਬਰ 113 ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ 3 ਆਕਾਰ ਦੇ, ਜੋ 7 ਇੰਚ, 9 ਇੰਚ ਅਤੇ 12 ਇੰਚ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 3 ਪੀਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ, 7 ਇੰਚ, 9 ਇੰਚ ਅਤੇ 12 ਇੰਚ। ਸੋ ਜੋ 7 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ 7 ਪਾਰਟ ਕਰਨੇ ਹੈ,
फिर 9 इंच वाला पिज्जा वो भी 9 पार्ट करने हैं, तो 12 इंच वाला भी पिज्जा है वो भी 12 पार्ट करने हैं। सो जेकर तुम कोई एक हिस्सा चुकना चाहोगे दसना तो कि हिस्सा व्डा होगा, तो दसना कि आप इन तिना पिज्जा के पिज्जे का हिस्सा ज़्यादा लार्ज होएगा। सो ये फाइंड करना से अपन इन्हों का एरिया पता होना चाहिए। सो ये आर 7 यदी आर 9 है, यदि आर 12 आर मीन रेडियस। सो पहले आप एरिया फाइंड करते हैं, पाई आर स्केयर मीनस पाई इंटू 7 का स्केयर, तो यदा एरिया पाई इंटू 9 का स्केयर, यदा एरिया पाई इंटू 12 का स्केयर। ठीक, सो हम जरा आ 7 इंच वाला पिज्जा है, ठीक है, सो ये किन्ने पार्ट करने 7, सो डिवाइड करो 7 नाल, इनू डिवाइड करो 9 दे नाल, इनू डिवाइड करो 12 नाल, तो पावर कैंसिल हो जूगी। सो यदा कि बचू हिस्सा 7 पाई, यदा हिस्सा 9 पाई, यदा हिस्सा 12 पाई। सो क्लीयर अपना पता लग रहा कि 12 पाई इन दोवों नालों लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। ठीक, सो सब तो व्डा हिस्सा कि होगा फिर 12 इंच पिज्जा, ऑप्शन सी। ठीक, हाँ जी, नेक्स्ट देखो सम नंबर 114 कि अपने डायग्राम क्यों बनाए भाई कि जी फर्स्ट डायग्राम है वो रिसेप्शन है, की है रिसेप्शन, सेकंड वॉशरूम, थर्ड कॉन्फ्रेंस रूम एंड फोर्थ की है मेन ऑफिस। सो देखो जो ऑफिस है तो वॉशरूम है, ये दोनों स्केयर है, तो जिन्हों का एरिया क्या 64 ते 4 मीन ऑफिस 64 यदा एरिया, यदा 4 है, तो कॉन्फ्रेंस रूम का जो एरिया है वो 96 है, कॉन्फ्रेंस रूम हमारे 96। ठीक, सो आप फाइंड करना है कि जो रिसेप्शन है ये वाली यदा एरिया कितना होगा बोला। ठीक है, सो देखो ये स्केयर है हाँ बोला, यदा एरिया 64 है फोर्थ पार्ट का, एरिया कितना 64 बट है स्केयर, स्केयर का एरिया कितना साइड का स्केयर होता है, सो फिर यदि साइड कितनी होगी वो साइड ऑफ ऑफिस कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 64, तो ये कितना आएगा 8 आएगा, तो यदि साइड कितनी है 8 आ वाली। ठीक, सो आ भी 8 होगी, ओके, तो आ भी 8 है, तो अपन सेकंड वॉशरूम का एरिया क्या बनाया, एरिया ऑफ वॉशरूम ये 4 मीटर की बनाया, सो फिर यदि साइड कितनी होगी ये 2 मीन आ भी टू हो गया, ओके। सो देखो हम अपना सम ये ऊपर सॉल्व कर देने हैं, सो ये वाला 8 है, आ भी 8 है, 8 2 2 2 2, सो हम अपन यदा एरिया क्या 96, सो जेकर ये 8 है तो आ रेक्टेंगल बनूगी, आ लेंथ होगी, ये वाला पार्ट लेंथ है, ये वाला पार्ट ब्रेड्थ है। ठीक है, सो ब्रेड्थ 8 है, लेंथ फाइंड करनी है, एरिया 96 है, सो देखो ना इतनी आप ट्राई करते हैं कि जो थर्ड पार्ट है यदा एरिया क्या 96 है, ये कि रेक्टेंगल, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 96, सो लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेड्थ 8 है, सो लेंथ कितनी आ गई 12 आ गई, सो पूरी लेंथ कितनी है वाली 12, ये भी कि 12, ये भी कि 8, सो फाइंड करना पा आ वाला एरिया, सो ये भी रेक्टेंगल बन गई, सो यदि ब्रेड्थ अपना 2 है, आ लेंथ फाइंड करनी है हाँ वाली, सो ध्यान देखो हूँ आ कि 12 है, आ कि 8 है, सो टोटल कि 20 हो गया, सो 20 आ वाला 2 माइनस कर दो, जो अपना सैकेंड पार्ट है वॉशरूम का, वॉशरूम की साइड माइनस कर दो, तो रिसेप्शन की लेंथ अपन मिल जूगी, सो कि 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18, सो ये लेंथ कि 18 है, ब्रेड्थ कि 2 है, तो यदा एरिया कि 18 इंटू 2 36 आजगा, सो ऑप्शन सी यदा की है आंसर है। ठीक, हाँ सम नंबर 115 देखो कि ऑन अ मैप 1 सेंटीमीटर रीप्रजेंट 400 मीटर, जो कोई मैप है वह की है 1 सेंटीमीटर आप 400 मीटर रीप्रजेंट करते हैं, तो 4 सेंटीमीटर किन्ने मीटर होंगे दसना कि 4 की मल्टीप्लाई कर दो 400 ना, सो ये आ गया 1600 मीटर। ठीक है, सो 4 सेंटीमीटर की है 1600 मीटर होंगे, बट ऑप्शन 1600 मीटर है ही नहीं, दो ऑप्शन ही मीटर वाली
सो दोनों गलत है। सो जो आप मीटर नू किलोमीटर चेंज करेंगे, सो 1600 मीटर नू किलोमीटर चेंज करना से डिवाइड करेंगे 1000 नाल। सो ये दो कैंसल, 16/10 बचूगा, तो 16/10 आप लिखा 1.6 किलोमीटर, तो 1.6 किलोमीटर मिल रहा ऑप्शन नंबर डी बच्चे। सो ये अपना की है आंसर है। हाँ जी सम नंबर देखो 116। सो ये सम है, पैडागोजी सम है, पैडागोजी। ओके सो देखो कि मतलब द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अलजबरा टू मिडल ग्रेड स्टूडेंट टू एनेबल स्टूडेंट, कि मिडल ग्रेड के विद्यार्थी अलजबरा पढ़ाने मेन मोटिव की होंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखो है कि नंबर के संबंध में देखना, तो उन्होंने पैटर्न में संबंध देखना कि रिलेशन बिटवीन नंबर एंड लुकिंग फॉर पैटर्न इन द रिलेशन। सैकेंड ऑप्शन की है कि नंबर पढ़ने की योग्यता कौशलता प्रदान करना, तो समीकरण समझने की योग्यता बढ़ा, इन्होंने कोई भी नहीं। सो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो ऑप्शन ए की है आंसर कि नंबर में संबंध देखना, तो उन्होंने पैटर्न में संबंध देखना। ओके सो नैक्सट देखो 117। टीचर वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस टू टॉपिक मनी ट्रांजैक्शन, सो विच इज फॉलोइंग स्ट्रैटेजी द कैन यूज, कि जो टीचर है वह बच्चों को मनी ट्रांजैक्शन का टॉपिक समझाना चाहता है, तो इन टॉपिक कि मैथड वधिया रहेगा, यूज ऑफ मॉडल, यूज ऑफ ICT, रोल प्ले, सॉल्विंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो इन रोल प्ले मैथड की है ज़्यादा वधिया रहेगा। सी ऑप्शन की आंसर। अगे सम नंबर देखो 118, कि अध्यापक नौकरी में रह के हिसाब के आयोजित प्रोग्राम में क्यों जाना चाहिए है, कि अपने साथी अध्यापक मिलने लिए। सो ये ऑप्शन सही नहीं। पढ़ाते समय अध्याप आने वाली समस्याओं बारे दसना, समाधान लभना। सो ये ऑप्शन थोड़ी ठीक लगती है। ऑप्शन सी देखो स्कूल तो बाहर सीखने का वातावरण होना, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी देखो अध्यापक मिलने वाले लाभ के बारे समय अनुसार जानकारी देना अध्यापकों, ठीक है। सो देखो जी ऑप्शन डी है, ये अध्यापकों की गल की है, तो पैडागोजी में जिन्ना हो सके बच्चों के प्रॉफिट बारे सोचना होता है, बच्चों के फायदे बारे। सो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जूगी। सो बी ऑप्शन ज़्यादा वधिया, कि पढ़ाने समय आने वाली समस्याओं बारे दसना तो समाधान लभना, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम वास्ते जो प्रॉब्लम टीचर आ रही है तो उन्होंने की सोल्यूशन हो सकते हैं वो वास्ते की मैथमैटिक प्रोग्राम में जाना चाहिए। सो ऑप्शन बी है आंसर होगा। ओके सो नैक्सट देखो 119। द सीकुएंस ऑफ स्टैप फॉर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दियाँ सही सीकुएंस की होनी है, इन ऑप्शन दसना है। सो ये ऑप्शन देखो, सो यदा आंसर होगा ऑप्शन ए, इनसाइट, थिंकिंग, प्रिपरेशन एंड वेरीफिकेशन, ठीक। अगे लास्ट देखो 120, कि अभी सब बच्चों उत्ते स्कूल का बोझ घट करने वास्ते गल करते हैं, पर फिर भी अभी मैथ हिसाब के बच्चों घर का काम दें, यह घर का काम देना किस लिए जरूरी है, आत्म निर्भर पढ़ाई मदद करने, वाधू समय वरतन, संकल्प को चंगी तरह समझने या उपरोक्त सारी। सो सारी ऑप्शन की सही है। सो ऑप्शन डी है आंसर। ओके